भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सोमवार देर रात एक बयान जारी किया। इसमें उन्होंने कहा, हम अपने सहयोगी पी चिदंबरम की लगातार बढ़ाई जा रही हिरासत को लेकर चिंतित हैं। सरकार की हमारी व्यवस्था में कोई भी निर्णय किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिया जाता है, सभी निर्णय सामूहिक तौर पर लिए जाते हैं, उनका फाइलों में उल्लेख किया जाता है। उन्होंने कहा, कई अधिकारियों के द्वारा किसी भी तरह के समझौते या सिफारिश को कई पड़ावों पर जांचा परखा जाता है। चिदंबरम ने भी मंत्री रहते हुए सर्वसम्मत प्रक्रिया के तहत आए समझौतों या सिफारिशों को मंजूरी दी। यदि इस मामले में अधिकारियों की कोई गलती नहीं है तो फिर यह कैसे संभव है कि मंत्री इसका जिम्मेदार है? डॉक्टर सिंह ने कहा, ऐसे तो पूरा सिस्टम ही धराशायी हो जाएगा। डॉक्टर सिंह ने कहा, जबकि मंत्री ने तो केवल उन समझौतों या सिफारिशों को मंजूरी दी जो अधिकारियों के द्वारा आगे बढ़ाए गए। यदि मंत्री ही किसी भी तरह की सिफारिश को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार है तो फिर सरकार का हमारा पूरा सिस्टम ही धराशायी हो जाएगा। हमें विश्वास है और हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में अदालत न्याय करेगी।